Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and well at your home. In our last video, we have learned features of keyboard and parts of keyboard. Okay kids, हमने हमारी last video में features of keyboard and parts of keyboard पढ़ा था. अब हम इस video में हमारी next page करेंगे, page number 39. Okay kids. So take your computer books and open page number 39. आज हम डिटेल में parts of keyboard read करेंगे. Now you will learn about these keys in detail. अब हम इन keys के बारे में detail में पढ़ेंगे. सबसे पहली keys आती है हमारे पास alphabet keys. There are 26 alphabet keys marked on the keyboard with the letter A to Z. ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या है 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं टोटल, जिसमें लेटर आता है A से लेके Z तक. ओके, देयर दीज कीज़ हेल्प टू टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंस. इन कीज़ का यूज़ करके आप वर्ड्स और सेंटेंस को टाइप कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर. ओके किड्स, द कीबोर्ड डज नॉट हैव कीज इन अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लाइक ए बी सी एंड सो ऑन. जो कीबोर्ड में कीज़ होती हैं बेटा, वो अल्फ़ाबेटिकली नहीं होती, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे नहीं होगी. सिस्टमेटिक वे में अल्फ़ाबेट कीज़ नहीं होती. ओके किड्स, ऐसे होती हैं, देखो ए यहाँ पर है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, सो ये अल्फ़ाबेटिकली नहीं होती. ओके किड्स, नेक्स्ट है नंबर कीज़. नंबर कीज़ में क्या होता है, देयर आर 10 नंबर कीज़ ऑन द कीबोर्ड मार्क्ड विद द नंबर ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0. ओके किड्स, यहाँ पर क्या है, 10 नंबर कीज़ होती हैं. कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0. ओके किड्स, टोटल कितनी कीज़ होती हैं, 10 कीज़ होती हैं. दीज कीज़ आर यूज टू टाइप नंबर्स, टेबल्स, सम सोल्स एसेट्रा. इन कीज़ का यूज़ करते हैं हम नंबर्स के लिए, टेबल्स लिखने के लिए, सम्स का सोल्व करने के लिए. ओके किड्स, इसलिए इन नंबर कीज़ का यूज़ होता है. अब अल्फ़ाबेट का कीज़ का यूज़ तो होता था बेटा किसके लिए, टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंस के लिए. नंबर कीज़ का यूज़ किस लिए होता है, नंबर लिखने के लिए, टेबल लिखने के लिए, सम सोल्व करने के लिए. ओके किड्स, हर कीज़ का डिफरेंट यूज़ है. सो नेक्स्ट की है हमारी स्पेशल कीज़. स्पेशल कीज़ कौन सी हैं, सबसे पहले आती है एंटर की. एंटर की कौन सी है, स्पेशल कीज़ है. स्पेशल कीज़ में सबसे पहले आती है एंटर की. ओके, हमने पीछे पढ़ा था स्पेशल कीज़ कौन कौन सी हैं, एंटर कीज़, स्पेस बार, कैप्स लॉक एंड बैक स्पेस. अब हम इसके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. अब देखिए एंटर कीज़ कौन सी होती हैं बेटा, एंटर कीज़ इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन वाइल टाइपिंग. एंटर कीज़ दो होती हैं कीबोर्ड के अंदर, दो जगह पे एंटर कीज़ होती हैं. देखो एक यहाँ पर है एंटर की और एक यहाँ पर है, दोनों का काम बिल्कुल सेम ही होता है. इसका वर्क क्या होता है एंटर की का, एंटर की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन वाइल टाइपिंग. एंटर की का यूज़ होता है बेटा नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए. ओके, तो एंटर कीज़ इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न कीज़, इसको हम रिटर्न की भी बोलते हैं. देर आर टू एंटर कीज़ ऑन द कीबोर्ड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया और दिखाया भी कि एंटर कीज़ कितनी होती हैं कीबोर्ड में, टू होती हैं. व्हाट इज़ कर्सर, अब बच्चा क्वेश्चन पुट कर रहा है व्हाट इज़ कर्सर, कर्सर क्या है. अब टैब भी रिप्लाई दे रहा है, कर्सर इज़ अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मोनीटर. मोनीटर के ऊपर छोटी सी ब्लिंकिंग लाइन दिखती है, उसको हम बोलते हैं कर्सर. ऐसी लाइन दिखती है कर्सर की, ये होता है हमारा कर्सर. ओके,
ये कर्सर होता है हमारा। ओके किड्स, नेक्स्ट आता है, ऐसे लाइन होती है और ये ऐसे होती है, ये होता है हमारा कर्सर। ओके, ऐसे लाइन होती है बस इसके ऊपर ऐसे एक। ओके बेटा, ब्लिंकिंग लाइन होती है उसको हम बोलते हैं कर्सर। नेक्स्ट आता है स्पेशल कीज में स्पेस बार की। स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। स्पेस बार की कौन सी होती है बेटा? सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड की, ये वाली की स्पेस बार की है, जो सबसे बड़ी की है कीबोर्ड में उसको हम बोलते हैं स्पेस बार की। ओके किड्स, इट इज़ यूज टू गिव अ ब्लैंक स्पेस टू द राइट ऑफ अ वर्ड। ये क्या काम करती है? स्पेस देने के लिए काम करती है। ओके, सेंटेंस लिख रहे हो आप, कोई नेम लिख रहे हो, तो उसमें स्पेस देने के लिए स्पेस बार की का यूज़ होता है। ओके किड्स, टाइप अ सेंटेंस आई लव माई कंट्री। अब आपने जैसे कि सेंटेंस टाइप करना है आई लव माई कंट्री, तो आई के बाद स्पेस है तो लव लिखा है। ओके, उसके बाद स्पेस है माई लिखा है, फिर स्पेस बाद का बटन दबाया, फिर क्या लिखा? कंट्री लिखा। ओके, यही हम इकट्ठा लिख देते तो हमें समझ में ना आता कि ये क्या लिखा है, इसलिए स्पेस बार की का कीबोर्ड में ये यही यूज़ होता है कि आप लिख रहे हो तो उसमें आप स्पेस बार की दबा के स्पेस दे सकते हो अपने सेंटेंस में। विदाउट यूजिंग द स्पेस बार, अगर आप स्पेस बार का यूज़ नहीं कर रहे, इट विल लुक आई लव माई कंट्री। देखो ये ऐसा दिखाई देगा अगर आप स्पेस बार का यूज़ नहीं कर रहे, तो ये ऐसा दिखाई देगा सेंटेंस आपका। अगर यूज़ कर रहे हो तो आपका सेंटेंस ऐसा दिखाई देगा। नाउ टाइप द सेंटेंस यूजिंग द स्पेस बार की। अब हमने स्पेस बार की का यूज़ करके सेंटेंस लिखा, तो देखिए हमारा ऐसा शो हो रहा है सेंटेंस। ओके किड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द स्पेशल कीज एंड रीड दिस चैप्टर वेरी वेल एट योर होम। ओके किड्स, बाय बाय, टेक केयर।